गौरवशाली रेगड़ समाज के मेरे सभी सम्मान्य साथियों, मुझे आपके सामने खड़े होकर आपसे बात करने में बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आप सभी जानते हैं मेरा औपचारिक जो भाषण है, मैं ये प्रस्ताव समिति और ये सारे कार्यक्रम जब समाप्त होंगे उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा, लेकिन आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि 1944 में जब पहला रेगर महासम्मेलन का आयोजन हुआ दौसा के अंदर, तब से एक परंपरा रही है कि हम समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को, जिससे समाज आगे बढ़ सके, जिन बिंदुओं को लेके समाज की अपनी पहचान बन सके, ऐसे विषय जो समय के साथ समाज को अपनाने चाहिए, उन चीजों को लेके एक विषय समिति बनती है और वो विषय समिति सभी लोगों से बातचीत करके जागरूक लोगों के अपने सुझाव और प्रस्ताव प्राप्त करती है। पहले महासम्मेलन के अंदर, जो कि आजादी से पूर्व 1944 के अंदर हुआ, और इस ऑडिटोरियम के अंदर मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त में महासम्मेलन के वक्त में उपस्थित रहे होंगे। उस वक्त में जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, चार प्रस्ताव उस वक्त में लिए गए थे और उन चार प्रस्तावों को समाज ने बहुत मन से, समाज ने बहुत दृढ़ता से और बड़े संघर्ष के साथ, विशेष रूप से हमारे जो संत शिरोमणि थे, उन्होंने उनको पालना करवाने में अपनी जी जान लगा दी। उसी तरह से दूसरा जो सम्मेलन 1946 के अंदर जयपुर में हुआ था, उसमें और भी बड़े मेहनत से और बहुत लोगों की भागीदारी से प्रस्ताव लिए गए थे, वो 11 प्रस्ताव लिए गए थे। उन 11 प्रस्तावों को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अपने बुजुर्गों पे, अपने इतिहास पे, अपने समाज पे बहुत बड़ा गर्व होगा कि हमने उन परिस्थितियों के अंदर समाज के लिए, देश के लिए और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या सोचा। 1946 के बाद में लंबा अंतराल निकला, फिर 1964 के अंदर तीसरा महासम्मेलन पुष्कर के अंदर आयोजित हुआ और वहाँ भी कुछ प्रस्ताव लिए, जिनकी बहुत विस्तृत जानकारी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। और फिर लगभग 20 साल बाद में 1984 के अंदर एक महासम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ, वो कई महीनों में हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय था कि भारत की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जयपुर के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी उस महासम्मेलन के अंदर आई और रेगर समाज की विशाल जनसंख्या को देख के आयोजकों को ये कहा कि ये रेगर समाज है क्या, इतना बड़ा रेगर समाज है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से रेगर समाज इन विकास की दिशा के अंदर आगे बढ़ने वाला है, इतना अग्रणी सोच वाला है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि 21 दिन बाद ही उनका देहांत एक दुर्घटना में हो गया, तो जो उनके मन में विचार थे उसका फायदा समाज को मिलने वाला था, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वो हमें नहीं मिल पाया। उसके दो वर्ष पश्चात दिल्ली के विज्ञान भवन में 1986 के अंदर एक अधिवेशन हुआ, उसको महासम्मेलन तो अपन इसलिए नहीं कह सकते कि एक सीमित भागीदारी उसके अंदर थी, लेकिन उसका प्रयोजन ये था कि 1944 से लगा के और 1986 तक समाज के वो रत्न, समाज के वो कर्मठ कार्यकर्ता, समाज के वो संत शिरोमणि जिन्होंने समाज के लिए काम किया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, उनको पहचान करके, उनको चिन्हित करके, उनको सम्मानित किया और उस वक्त के हमारे महामहिम राष्ट्रपति
ज्ञानी जेल सिंह जी ने सभी को सम्मानित किया, जिसमें रिगर रत्न और संत शिरोमणि के नाम से भी वो पुरस्कार वितरित किए गए थे। 1986 के बाद 31 वर्ष का लंबा समय बीत गया। उन 31 वर्षों में महासभा का उतार चढ़ाव रहा, लेकिन महासम्मेलन के आयोजन के बारे में कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठा पाए। और 31 वर्ष के बाद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपकी भागीदारी, आपकी चिंतनशीलता, आपका प्रोग्रेसिव सोच और आपका समाज के प्रति चिंतन जाहिर करता है। और यहाँ पे महाराष्ट्र से, यहाँ पे मध्य प्रदेश से, यहाँ पे गुजरात से, यहाँ पे पंजाब से, यहाँ पे हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से बड़ी संख्या के अंदर मन से लोग आए हैं। मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से, महासभा की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आप सभी महानुभाव का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक प्रस्ताव समिति जो बनी थी श्री अशोक कुमार जी तोंडगरिया जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में, और उनके साथ 9 सदस्य और थे जिनका नाम मैं जब कंक्लूड करूंगा तो लूंगा, उनके मेहनत से हमने कुछ प्रस्ताव तैयार करके आपको सर्कुलेट किए हैं। और अगर नहीं किए तो मैं हमारे जो कार्यकर्ता उनको निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे उनको कृपया वो सर्कुलेट करें। ये लगभग 13 प्रस्ताव है, जिसमें शैक्षणिक प्रस्ताव भी है, जिसमें सामाजिक प्रस्ताव भी है, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी है और जिसमें कुछ अन्य प्रस्ताव भी हैं। इन प्रस्तावों पे हम कोशिश ये करेंगे कि एक प्रस्ताव पे एक आदमी जो उस विषय में अच्छा जानकार है उनको आपके सामने पेश करें। प्रस्ताव सारे ऐसे हैं जो स्वीकार योग्य है, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना भी आवश्यक है। और ये पूरा सदन, हमारे रेगर समाज का जो महासदन है, वो उसके अंदर अपनी अनुभूति देगा, अपनी अनुमोदन देगा, अपना जो है स्वीकारता देगा, और वो समय की आवश्यकता है। मैं एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर मैं बैठूंगा और जो हमारे बोलने वाले हैं उस विषय पे जो भी हमारे सज्जन हैं उनका मैं नाम लेऊंगा, वो आपके सामने यहाँ आएंगे। जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा उनसे मेरा निवेदन है कि वो 5 से 7 मिनट का समय ले, इससे ज़्यादा समय नहीं लें, क्योंकि प्रस्ताव 13 है तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगेगा उसके अंदर। और सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रस्ताव क्या है। तो शैक्षणिक प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव है कि समाज के बालक बालिकाओं को व्यवसायिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें किसी को दो राय नहीं हो सकती, लेकिन वो जब बोले नहीं तब आपके सामने बातें आएगी। दूसरा है प्रशासनिक सेवाओं की दिशा में जागरूकता प्रदान की जाए व कोचिंग की व्यवस्था के प्रबंध समाज की तरफ से हो। ये दो प्रस्ताव शैक्षणिक प्रस्ताव हैं। सामाजिक प्रस्ताव में जो कि बड़े संवेदनशील हैं, सालों से चले आ रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। उनमें सार्वजनिक स्थानों व समारोह में शराब का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध किया जाना चाहिए। दूसरा है मृत्यु उपरांत किसी भी रस्म पर मीठे का बनाना खाना खिलाना बंद किया जाना चाहिए। साथ ही दिवंगत महिला पुरुष के पीहर ससुराल के अलावा अन्य किसी भी रिश्तेदार से कपड़े का लेन देन, जिसको पैरावनी बोलते हैं, वो बंद की जाए और नकद में 100 रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं होना चाहिए। अगला प्रस्ताव सामाजिक है, अस्थि विसर्जन के लिए परिवार के 2 से ज्यादा सदस्य हरिद्वार, सोरोजी, पुष्कर, मातृकुंडिया जहां पर प्रवाहित होती है वहां उनसे ज्यादा लोग नहीं जाए। एक प्रस्ताव है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी था कि शादी समारोह में संगीत, महिला संगीत के अलावा, महिलाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, शादी समारोह में महिला संगीत के अलावा डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि रोका टीका व सगाई अलग अलग कार्यक्रम नहीं होके एक ही कार्यक्रम होना चाहिए।
राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीतिक दलों के जिला प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के संगठनों में रेगड़ समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये पहला राजनीतिक प्रस्ताव है। दूसरा है लोकसभा विधानसभाओं जिला परिषदों पंचायत समितियों नगर पालिकाओं में रेगड़ समाज को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये कि आजादी के 70 वर्ष पश्चात भी रेगड़ समाज को राज्यसभा में अब तक प्रतिनिधित्व किसी भी दल ने नहीं दिया है, जो हमारे समाज के लिए रेगड़ समाज के लिए चिंताजनक है। अब वो सुनिश्चित किया जाए, चाहे कोई पार्टी हो, कि हमें राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो अन्य प्रस्ताव में तीन प्रस्ताव हैं, एक कि महाराष्ट्र गुजरात व उत्तर प्रदेश में रेगड़ समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इन तीनों प्रदेशों में रेगड़ समाज अनुसूचित जाति की लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रस्ताव है ज्ञान लक्ष्य कल्याण कोष की स्थापना रेगड़ समाज के प्रतिभावान बच्चों, घातक बीमारियों व प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परिवार की मदद प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। और अंतिम प्रस्ताव जो समाज से भी ऊपर उठ के है, वो ये है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने के प्रयास जो हो रहे हैं, उसका महासभा पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं हो सकता, उसके बारे में हम एकजुट हैं। अब ये जो प्रस्ताव, उसके बारे में मैं एक एक हमारे जो साथी हैं उनको बोलूंगा। मैं सबसे पहले हमारे गुरुजन हैं, समाज के बालक बालिकाओं के व्यवसायिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के पहले बिंदु पर राजस्थान से श्री गोवर्धन जी देवत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और 5-7 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करके और जनता के सामने अपना समाज का जो आईना है और हमारा जो विकास किस तरह से हम आगे कर सकते हैं वो।